नमस्कार, मैं हूँ दिनेश चौरसिया और आप देख रहे हैं स्मार्ट हरदा YouTube चैनल। जी हाँ, स्मार्ट हरदा YouTube चैनल आपके लिए ला रहा है एजुकेशन न्यूज। जी हाँ, इस एजुकेशन न्यूज में इस कोरोना महामारी के समय में हमारे शैक्षणिक सत्र को किस तरह से संचालित किया जाएगा, इसकी तमाम जानकारी इस एजुकेशन न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी से निपट रहा है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में पूरा देश के साथ साथ हमारी स्कूलें, शासकीय और प्राइवेट स्कूलें भी हमारी बंद है। तो आइए हम लोग इस बंद के समय में, इस लॉकडाउन के समय में हमारे बच्चों को किस प्रकार से शाला में निरंतर बनाए रखें, इसके लिए हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों को घर पर ही लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप तैयार किया है। जी हाँ, इस ग्रुप पर प्रत्येक जिले, प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र और प्रत्येक स्कूल के प्रधान अध्यापक के साथ साथ बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा गया है। इस एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को प्रतिदिन शैक्षणिक सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा भेजी जाती है। बच्चे उसका अध्ययन करते हैं और उसका फीडबैक देते हैं। इसी के साथ में हमारा जो शिक्षा विभाग है, प्रतिदिन इसका फीडबैक जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग करता है। और इस लॉकडाउन में भी हमारा शिक्षा विभाग बच्चे हमारे निरंतर पढ़ते रहें, वे अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हुए रहें, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतत इसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही हमारी अन्य जो योजनाएं हैं, जैसे गणवेश वितरण है, पाठ्य पुस्तक वितरण है, आदि तमाम योजनाएं जो है आगे लॉकडाउन के समय में भी चलती रहेंगी, इसके लिए शासन द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।